करते हैं। हिमाचल मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है, 10 सितंबर तक चलेगा यह मॉनसून सत्र। लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है विपक्ष। राज्य की वित्तीय स्थिति पर सबका फोकस है, तो आज भी हंगामा हो सकता है। 10 सितंबर तक चलेगा मॉनसून सत्र। बता दें कि एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया इस मॉनसून सत्र को। बिजली शुल्क संशोधन पर चर्चा की जा सकती है। तो हिमाचल मॉनसून सत्र का आज दूसरा 10वां दिन है, तो आज 10 सितंबर तक चलेगा मॉनसून सत्र। आज 10वां दिन है मॉनसून सत्र का। बिजली शुल्क संशोधन बिल पेश होगा आज। बता दें कि विपक्ष जो है कि वो सत्ता सरकार को लगातार घेरे रहने की कोशिश कर रहा है इन सेशन में। तो इस बार आज भी जो कि क्यास लगाए जा रहे हैं, आज भी विपक्ष जो कि सत्ता सरकार को घेर सकता है। तो वित्तीय स्थिति पर आज चर्चा होगी, बेहद हंगामा होने के भी आसार है जो कि बताए जा रहे हैं। तो हिमाचल मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है, 10 सितंबर तक चलेगा मॉनसून सत्र। एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है बिजली शुल्क संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। तो आज विधानसभा में जो कार्रवाई होनी है, वित्तीय स्थिति पर चर्चा की जाएगी, जो गहन चर्चा की जाएगी, जिसमें कि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर, वित्तीय मुद्दों को लेकर जो कि सत्तारूढ़ सरकार को घेर सकता है। तो बिल पेश किया जाएगा, बिजली शुल्क संशोधन बिल है जो कि आज पेश किया जाएगा। तो आज 10वां दिन है, 10 सितंबर तक मॉनसून सत्र जो कि चलेगा। बिजली शुल्क संशोधन बिल है जो कि वो पेश किया जा सकता है। लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है विपक्ष। लगातार आज सत्ता सरकार के लिए चुनौती भरा आज भी दिन रहेगा, जिसमें कि काफी हंगामेदार सेशन होने की संभावना जताई जा रही है। तो 10 सितंबर तक चलेगा मॉनसून सत्र, इसमें कि एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है ऐसे सत्र को। बता दें कि लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है विपक्ष। तो चुनौतीपूर्ण आज का दिन भी रहने वाला है। वित्तीय स्थिति को लेकर घेर सकता है विपक्ष, वित्तीय स्थिति को लेकर चर्चा की जा सकती है। काफी हंगामा भी हो सकता है, काफी हंगामेदार सेशन भी जा सकता है आज का। तो कुछ ही देर में जो कि शुरू होने वाला है ये आज का सत्र, राज्य की वित्तीय स्थिति पर सबका फोकस होने वाला है। तो राज्य की, हिमाचल प्रदेश राज्य की जो वित्तीय स्थिति है, उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं की जा सकती हैं इस सेशन में। आज 10वां दिन है, एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है इस सेशन को। 10 सितंबर तक अब चलेगा मॉनसून सत्र। तो बता दें कि पिछले कई जो सेशन है वो काफी हंगामेदार रहे। लगातार जो कि विपक्ष है वो सत्ता सरकार को, सत्तारूढ़ सरकार को घेरता आ रहा है। सो वित्तीय स्थिति है जो कि हिमाचल प्रदेश की सब पर, उसका जो सबका उस पर फोकस है। सो आज भी उसी को लेकर है जो कि चर्चाएं की जा सकती हैं। बता दें कि बिजली संशोधन बिल है जो कि आज पेश होगा, तो उसी पर चर्चा होगी। वो बिल आज पेश किया जाएगा। लगातार आज का दिन भी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है हिमाचल सरकार के लिए। उसी खबर पर कामेश्वर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। सो कामेश्वर, आज का दिन भी जो कि बताया जा रहा है कि सत्ता सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। सो आज भी जो कि विपक्ष है वो सत्ता सरकार को जो कि घेर सकता है। वित्तीय स्थिति जो कि है हिमाचल प्रदेश की, उसको लेकर कई चर्चाएं की जा सकती है। काफी हंगामेदार सेशन हो सकता है। और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, यदि अगर देखा जाए अभी तक जो विधानसभा सत्र के दौरान जो विपक्ष है वो हमेशा ही सत्ता पक्ष के ऊपर भारी रहा है। जिस तरीके से जो कुप्रंदर यानी कि देखा जाए जो स्थिति है वो अत्यधिक दयनीय है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि खासकर हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से जो कर्मचारी है उन्हें जो वेतन है वो 5 तारीख को मिला और जो पेंशनर है उन्हें 10 तारीख को दिया जाएगा, जो कि कल दिया जाएगा। तो ऐसे में जो पेंशनर है उन्होंने चौड़ा मैदान में भी जो अभी सेशन चल रहा है उस दौरान भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि खासकर जो पेंशनर है उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है यदि उनकी जो सैलरी है या जो पेंशन है वो लेट आते हैं। वही जो कर्मचारी, उनका कहना है कि अगर 5 तारीख को सैलरी आती है और कहीं ना तो कहीं जो खासकर अगर देखा जाए प्रत्येक व्यक्ति ने अपने घर बनाने के लिए ऋण लिया होता है, बच्चों की स्टडी के लिए ऋण लिया होता है, तो कुल मिलाकर चाहे गाड़ी हो बाइक हो तो तमाम चीजों के लिए ऋण लेता है। ऐसे में जो कर्मचारी और पेंशनर है उनका सरकार से यही आग्रह था कि हमें कहीं ना तो कहीं जो सिविल स्कोर हमारा खराब हो रहा है और समय पर जो पेंशन या फिर सैलरी नहीं आती, इससे कहीं ना तो कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं आपको बता देना चाहेंगे कि खासकर 75,000 करोड़ का जो कर्जा है वो प्रदेश सरकार को विरासत में मिला है। जो पिछली सरकार थी जयराम सरकार, उस दौरान जो 75,000 करोड़ रुपया है वो छोड़ के चली गई थी। ऐसे में अगर देखा जाए जो कर्मचारी की डीए एजेंट की अगर हम बात करें तो 10,000 करोड़ से अधिक का जो पैसा है वो खासकर जो एजेंट और डीए में जाएगा। तो कुल मिलाकर कहीं ना तो कहीं जो स्थिति है वो प्रदेश की अत्यधिक दयनीय बनी है। और वही मुख्यमंत्री सुखविंदर
सिंह सुक्खू ने कहा है कि जो हम पेंशनरों को जो सैलरी जो उनकी पेंशन है वो 10 तारीख को देंगे और जो कर्मचारी है उनको 5 तारीख को देंगे, इससे पूरे सालाना 36,000 करोड़ का मुनाफा प्रदेश सरकार को होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो अर्थव्यवस्था डगमगाई गई है इसे कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसको लेकर जो ये फैसला लिया गया है और वहीं अब लोग लगातार लोग इसका घेराव कर रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं, वहीं जो विपक्ष है इसे घेर सकता है। और अगर देखा जाए स्थगन प्रस्ताव जो भाजपा पहले दिन से लगातार लानी चाह रही थी, उन्होंने पहले कह दिया था कि हिमाचल प्रदेश में जो देखा जा रहा है जो कानून व्यवस्था है वो अत्यधिक डगमगाई हुई है, जिस तरीके से अगर देखा जाए दिन दिहाड़े जैसे रेप हो रहे हैं या मर्डर हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का जो इलाका है जो कि हरोली विधानसभा क्षेत्र आता है उस दौरान वहां पर दिन दिहाड़े जैसे बाइक सवार व्यक्ति से 50,000 रुपए उनकी बाइक मोबाइल समेत चोरी कर दिया गया और 2 दिन लगातार ऐसी वारदात हुई। सतपाल सत्ती ने सदन के दौरान भी ये चर्चा लाई थी जिस तरीके से जो अपराध इतने अधिक बढ़ गए हैं जिसकी कोई अनुमान नहीं लगाया जाता है, दिन दिहाड़े जो अपराध हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है आज जिस तरीके से सेकेंड लास्ट दिन है, कल 1 दिन के लिए एक्सटेंड कर दी है, खासकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब विपक्ष लगातार नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस तरीके से जो प्रस्ताव पेश करना चाहिए था, जो वित्तीय स्थिति के ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए था, उसके ऊपर हमें समय देना चाहिए था, जिसको मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में जानकारी दी, अगर आपको समय चाहिए तो जो सेशन है उसे 2 या 3 दिन के लिए बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो अनुमति के अनुसार अपक्ष विपक्ष की सहमति के बाद जो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 1 दिन के लिए जो सदन की कार्रवाई आगे कर दी है, यानी कि कल मंगलवार तक जो विधानसभा चलेगी जबकि आज तक थी। वही अगर हम देखा जा रहा है जो नियम 62 के तहत जो भाजपा विधायक पवन काजल जो कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने आज जो पेयजल योजना में आ रही असुविधा के लिए एक ध्यानकर्षण प्रस्ताव लाया, क्योंकि वहां देखा जा रहा है कांगड़ा में कुछ एक ऐसे क्षेत्र है जहां पर पानी नहीं आ रहा है, नल में जल नहीं है, खासकर जिस तरीके से पेयजल योजना है, उनका कहना है कि भाजपा के कार्यकाल के दौरान अत्यधिक पेयजल योजना प्रत्येक घर तक चली थी, प्रत्येक घर का एक लक्ष्य था हर घर में हर नल में जल होगा, लेकिन जो देखा जा रहा है अभी भी जो कांगड़ा में है कुछ एक क्षेत्र में पानी सुचारू रूप से नहीं आ रहा है, वहीं जो पानी है मधमैला आ रहा है, तो ऐसे में कहना तो कहीं जो गर्मियों के दौरान बीमारियां भी फैलती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे विपिन सिंह परवारी जो सिंचाई योजना में जो बाधा आई है उसके ऊपर जो आज चर्चा की जाएगी, साथ ही 100 महत्वपूर्ण अगर देखा जाए बिल पेश होना है, जो आज एक बिल भी पेश होना है बिजली संशोधन बिल जो आज वो भी पेश किया जाएगा जिससे कि हिमाचल प्रदेश के वासियों को काफी ज्यादा राहत भी इससे मिलेगी। बिल्कुल अगर देखा जाए सबसे पहली बात यह कि 10 गारंटियां थी जो कांग्रेस सरकार के सत्ता आने से पहले, उनमें से एक गारंटी जो थी वो थी प्रदेशवासियों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी, लेकिन जो हालात है प्रदेश की इतनी दयनीय, जिस तरीके से जो पूर्व भाजपा सरकार यानी जयराम सरकार के दौरान जो प्रदेशवासियों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाती है, सरकार ने वो सब्सिडी भी बंद कर दिया, साधन संपन्न जो व्यक्ति है उन्हें ये नहीं दिया जाएगा, खासकर जिसके जैसे एक भवन है उसमें अगर 50 मीटर तो यदि एक दी जाएगी तो पीएर है एमएलए है एक्ट मिनिस्टर है वर्तमान के जो विधायकगण है या फिर मंत्रीगण है और जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के जो कर्मचारी है इन सभी को जो ये जो 125 यूनिट ये नहीं मिलेगा, यानी कि जो साधन संपन्न परिवार है उन्हें नहीं दिया जाएगा। और वहीं जो प्रदेशवासी अब इसका विरोध कर रहे हैं, प्रदेशवासियों का कहना है कि जहां कांग्रेस सरकार ने सत्ता आने से पहले कहा था कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी, बल्कि जो 125 यूनिट दी जा रही थी वो भी अब कहीं ना तो कहीं समाप्त कर देगी। ऐसे में आज का जो बिल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर इसके ऊपर चर्चा की जाएगी कि लोगों को अब ये सुविधा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए बिजली बोर्ड घाटे में चल रहा है और अक्सर देखा जा रहा है जो कर्मचारी अधिकारी है उनकी सैलरी भी समय पर नहीं पहुंच पा रही, लगातार अगर जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आई है तो कर्मचारियों ने जरूरी नहीं है अगर हम पिछले सरकार की बात भी करें उस दौरान भी जो बिजली बोर्ड की जो स्थिति है वो अत्यधिक दयनीय थी, बात सुक्खू सरकार की नहीं है भाजपा सरकार के दौरान भी उनकी सैलरी थी वो समय पर नहीं मिलती थी, ऐसे में खासकर जो बिजली बोर्ड है वो घाटे में चल रहा है। अब कहीं ना तो कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यही प्रयास रहेगा कि जो बिजली बोर्ड जो घाटे में चल रहा है उसे कैसे उभरा जा सके, कैसे उसकी अर्थव्यवस्था को ठीक किया जा सके, खासकर जिस तरीके से अगर देखा जाए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह प्रयास किया जो शानन प्रोजेक्ट जो कि पंजाब के अंतर्गत आता है, जो अभी उसका जो प्रोजेक्ट है वो जोगिंदर नगर में है, लेकिन जो उसकी जो आय है क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले पंजाब के साथ एक साथ था, जब अलग हुआ तो
साल की जो लीज बनी थी तब तक का पैसा जो पंजाब सरकार को जाता था, अब उनका यह प्रयास है कि ये भी हिमाचल प्रदेश को आए और कैसे हिमाचल प्रदेश को अब बिजली के क्षेत्र में किस तरह से उत्कृष्ट किया जाए ताकि लोगों को जो उन्होंने गारंटी दिया थी, ऐसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पूरा आश्वासन प्रदेशवासियों को दिया है कि सभी जो गारंटियां है हम चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे। और बीते दिन भी जिस तरीके से उन्होंने तेरह विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की योजनाएं का भी शिलान्यास किया, ऐसे में जो प्रमुख समस्या है जो अब जो एक बड़ी देखा जाए प्रॉब्लम है वो इस टाइम बिजली की है, जिसके कारण लोग भी अत्यधिक परेशान है, तो हो सकता है आज इसमें कुछ राहत दी जा सकती। जी जी बिल्कुल, आज तक तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। हालांकि जो कि विपक्ष है वो लगातार विपक्ष जो कि सत्ता सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन जो कांग्रेस सरकार ने वादे किए थे उनको पूरा किया या नहीं, सो इसी पर जो कि चर्चा की जाएगी और लोगों को राहत देने के लिए खास करके जो वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की है उस पर ही चर्चा की जाएगी। और देखते हैं कि आने वाला ये जो सेशन है कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, सो क्या इसमें रहता है लोगों के लिए, खास क्या रहता है। सो बहुत शुक्रिया कामेश्वर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी।